आलू और सूजी का एकदम चटपटा मजेदार नाश्ता आज आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने जो कमेंट्स है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। पहले हम लोग इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम ये रवा लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी इस 400 ग्राम रवा में हम लोग हाफ टी स्पून ये नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून हम लोग ये राई डालेंगे। इससे ये जो रहता है इससे थोड़ा ये इसके अंदर हम लोग को ये दिखेगा तो अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है इसके अंदर। अभी हम लोग ये दही डालेंगे, ये मीठा दही मैंने लिया है, आपका दही अगर खट्टा है तो भी चलेगा। दही हम लोगों ने हाफ कप लिया है। अभी हम लोग इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये हम लोगों ने मिक्स कर दिया अच्छे से। अभी हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी मैंने 1 कप लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए ये यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा विस्पिंग के लिए। इससे हम लोग इसे मिक्स करके एक पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना देंगे। अभी इसके अंदर हम लोग ये 1/4 टीस्पून ये सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा हम लोगों ने लिया है, और मिक्स कर देंगे और इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला हम लोग बैटर बनाएंगे। बैटर अभी हल्का है, हम लोग इसके अंदर और पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है इसे ऐसा बनाने के लिए। हम लोगों ने इसे बहुत देर तक मिक्स कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसकी एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी हो गई है। तो ये हमारा जो ये बैटर है ये रेडी हो गया है। अभी हम लोग इसे 10 से 15 मिनट तक आराम से रेस्ट होने देंगे, तब तक ये थोड़ा फूल जाएगा, जो रवा है अच्छे से हमारा ये फूल जाएगा। अभी हम लोग इसका स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, अभी मैं उसको चालू कर दूंगा। पैन हमारा चालू हो गया। अभी हम लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून ये ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम लोग गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं इसे। इसको भी अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा चिटकने लगे तब तक हम लोग को गर्म करना है। अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर ये तीनों चीज़ें, कड़ी पत्ता और ये 2 से 3 चिलीस और ये गार्लिक, तीनों हम लोग डाल देंगे इसके अंदर और इन सब के अच्छे से फ्राई होने तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा बस कलर चाहिए हम लोग को इसका चेंज। अब इसके अंदर हम लोग ये थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे, धनिया के। अभी हम लोग इसके अंदर ये थोड़े से हम लोग पीनट्स डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग हल्दी डालते तो हल्दी भी पक जाती है। हल्दी हम लोग 1/2 टीस्पून डालेंगे और इसके अंदर हम लोग ये 1/2 टीस्पून से ज़्यादा नमक डाल देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर ये मैश्ड आलू डाल देंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू डाल दिया, अभी हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से पलटी मार के। ये हमारा स्टफिंग रेडी है एकदम। अभी हम लोग इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे। हम लोग अपना वो भी इसी के अंदर बनाएंगे, दूसरा पैन यूज नहीं करेंगे हम लोग। हम अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा ये जो रवा है ये 10 से 15 मिनट तक अच्छे से सूख के फूल गया है और हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा पानी भी और डाला ताकि ये ऐसे कंसिस्टेंसी में रहे। आपका भी जब ऐसे कंसिस्टेंसी में रहे तब आप इसे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक पैन हीट करेंगे और उसके अंदर हम लोग ऐसे थोड़ा सा ऐसे तेल लगा देंगे,
और उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ये जो हमारा बैटर बनाया हम लोगों ने वो डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसे। अभी इसे अच्छे से हम लोग ऊपर से और नीचे से हल्के सा सूख जान देंगे, उसके बाद हम लोग इसे पलटेंगे। अभी हम लोग इसे एक साइड से पलट देंगे ताकि इसका नीचे साइड भी पक जाए। अभी हम लोग इसके ऊपर ही हमारा जो स्टफिंग हम लोगों ने बनाया था वैसे डाल देंगे, एकदम पतला हम लोग लगाएंगे और पूरा इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देंगे, डाल देंगे। पूरा हाथ से डाल दिया हम लोगों ने। अब इसके ऊपर वापस हम लोग हमारा जो बैटर है वो वापस से डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से बस कवर करने के लिए हम लोग इसे डालेंगे। अभी हम लोग इसके सूखने का वेट करेंगे, उसके बाद इसको भी पलट देंगे। अभी ये अच्छे से पीछे की साइड से गया है, हम लोग इसे दूसरे साइड भी ऐसे अच्छे से पलट देंगे। और अभी जब दूसरे साइड से जाए हम लोग इसे निकाल देंगे। साइड से आप तेल डाल लीजिएगा। तो ये हम लोगों ने एक एक करके सारे बना लिए हैं, ये आप देखिए। अभी हम लोग इसे अच्छे से गार्निश करके तैयार कर देंगे। अभी हम लोग इसे गार्निश करेंगे। गार्निशिंग करने के लिए और प्लेटिंग करने के लिए मैंने इसे एक अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम लोग जैसा ये कटा है वैसा वैसा इसे काट के सजा देंगे। अभी हम लोगों ने इसे अच्छे से काट लिया है, इसे अभी हम लोग अच्छे से गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये अरवी के लीव्स लिए हैं, उसे ऐसे डाल देंगे और ये हमारा एकदम बन के तैयार हो गया है। आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने व्यूज और कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। तब तक के लिए बाय।